पटना में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 8 लड़कियां और 9 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। राजधानी के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल दयाल पैलेस में पुलिस ने जब छापेमारी की तो पूरी पोल खुल गई। पता चला कि होटल दयाल में काफी दिनों से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पकड़ी गई 8 लड़कियों में से 6 लड़कियां बंगाल की, 1 यूपी की और 1 पटना की रहने वाली है। पटना पुलिस की जांच में पता चला कि लड़कियों की तस्वीर के अनुसार ग्राहकों से रेट तय होता था। जैसी युवती उसी अनुरूप रेट फिक्स था। ग्राहकों के डिमांड अगर कम उम्र की लड़कियों की होती तो उसी हिसाब से उनसे पैसे लिए जाते थे। रजनीश नाम का दलाल ही लड़कियों को होटल तक पहुँचाता और शराब उपलब्ध कराता था। कोई कस्टमर जब आता था तो उसे व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीर भेजी जाती थी। उसी तस्वीर के अनुरूप दाम तय होता था। एक कस्टमर से होटल में एक दिन के लिए 8,000 लिए जाते थे, जिसमें 5,000 होटल वाला रखता था और 3,000 युवती को मिलती थी। गुरुवार को एग्जीबिशन रोड स्थित होटल दयाल पैलेस में छापेमारी की गई। वहां पहले भी सेक्स रैकेट का खुलासा हो चुका है। चौथी बार होटल में छापेमारी हुई और सेक्स रैकेट के धंधे का खुलासा हुआ। छापेमारी में 3 बोतल शराब, आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। गुरुवार को जब छापेमारी की गई तो होटल में हड़कंप मच गया। कमरे में आपत्तिजनक हालत में युवक और युवती मिले थे। अब पुलिस उस होटल को सील करेगी। अनैतिक देह व्यापार का मामला है, होटल में संचालित हो रहा था, जिसमें 8 लड़की पकड़ी गई है और 9 लड़के हैं, जिसमें 5 ग्राहक हैं और 4 होटल के स्टाफ हैं। कहाँ की लड़की? ये ज़्यादातर है बंगाल की लड़की, बंगाल साइड की लड़की हैं और लड़के।